तो चलिए देखते हैं कि हम इन दोनों वर्ड्स के लिए सेंटेंस क्या कर सकते हैं और फर्स्ट वर्ड इज डिसेंट डिसेंट का मतलब होता है उतारिए इसको कह सकते हैं इंग्लिश में फॉल सेंटेंस देखिए द डिसेंट फ्रॉम द हिल टू लेस टाइम मतलब कि हिल uh, से जो उतार था उसने कम समय लिया यहाँ पे वर्ड आया डिसेंट इसी का मतलब होता है फॉल या उतार सेकेंड वर्ड देखिए जो कि है डिसेंट डी ई डबल एस ई टी डिसेंट इस डिसेंट का मतलब होता है असहमति डिससेटिस्फैक्ट्री यहाँ पे सेंटेंस देखिए मिस्टर मेहता वाज द ओनली पर्सन हु डिसेंटेड इन द कमिटी मीटिंग मतलब कि मिस्टर मेहता एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मीटिंग में कमेटी uh, मीटिंग में असहमति दिखाई तो आप इस तरह से अपना सेंटेंस यूज कर सकते हैं तो आज आपने देखा कि हमने वर्ड डिसेंट और डिसेंट का बीच uh, का डिफरेंस देखा तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत बोलेगा आज के लिए इतना ही मिलता है नेक्स्ट वीडियो में देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग थैंक यू